हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ RTN चार्जेस क्या होता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि RTN का फुल फॉर्म क्या है। RTN मतलब रिटर्न। दोस्तों, इस वीडियो में भी मैं आपको बताने वाला हूँ RTN चार्जेस क्या होता है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं दोस्तों, ताकि आपके लिए ऐसी बहुत सारी और भी मैं वीडियोज़ लाता रहूँ। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं RTN चार्जेस क्या होता है, मतलब रिटर्न चार्जेस क्या होता है। दोस्तों, फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी आपने समझो कोई चीज़ EMI पे परचेस की है और आप उसकी EMI भर रहे हो, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप EMI नहीं भर पाते हो, तो जो चेक बाउंस होता है आपके अकाउंट में, जो भी चीज़ खरीदे रहते हो और उसका भर नहीं पाते हो EMI, तो चेक बाउंस होता है। उसके बाद आपके अकाउंट पे पेनल्टी लगती है। जो पेनल्टी लगती है उसी को रिटर्न चार्जेस कहते हैं, RTN चार्जेस कहते हैं। तो कोई भी चीज़ आप परचेस करते हो, उसका EMI नहीं भर पाते हो, उसके ऊपर जो पेनल्टी लगती है, जो आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है पेनल्टी का, उसी को कहते हैं रिटर्न चार्जेस। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि RTN चार्जेस क्या होता है और RTN का मतलब क्या होता है। RTN मतलब रिटर्न। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाएँ। और दोस्तों, इसी से रिलेटेड अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या फिर मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय गाइस, टेक केयर।